What's up everybody? Welcome back a new video. ये वीडियो होने वाली है रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग बाइक हंटर 350 के बारे में. फाइनली काफ़ी टाइम के बाद हंटर 350 का प्रोटोटाइप मॉडल एंड लॉन्च डेट एंड प्राइस आ चुके हैं. सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें. एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं. जैसा कि रॉयल एनफील्ड काफ़ी टाइम से हंटर 350 को टेस्टिंग पर रख कर काफ़ी सारे टेस्ट कर रहा था, बट हाल ही के सोर्स के द्वारा पता चला है कि ये बाइक आपको जल्दी अपने नज़दीकी रॉयल एनफील्ड शोरूम में देखने को मिल जाएगी. सोर्सेज के मुताबिक रॉयल एनफील्ड की ये बाइक हंटर 350 अब तक की सबसे अच्छी बाइक रहने वाली है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की. तो कंपनी इसे लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले रही है. सुना जा रहा था ये बाइक 2021 के लास्ट मंथ में लॉन्च कर दी जाएगी, बट रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने 1 सितंबर को क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया है. इसको देखते हुए रॉयल एनफील्ड इसकी लॉन्चिंग को 2 या 3 मंथ बढ़ा सकता है और ये बाइक 2022 जैन या फेब में इंडिया में लॉन्च की जा सकती है. एंड सोर्सेज के मुताबिक ये भी हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड अपनी अपकमिंग बाइक क्रूजर 650 को और हंटर 350 को इंडिया के मार्केट में एक साथ लॉन्च कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये दोनों बाइक एक साथ टेस्टिंग होते हुए देखी जा चुकी हैं. इन बाइक को पिछली बाइक्स प्रॉब्लम को देखते हुए एंड लोगों की कंफर्ट और टूरर को देखते हुए बनाया गया है, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है. एंड अब बात करते हैं सबसे मोस्ट पॉइंट की, प्राइस के बारे में. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का प्राइस 1,90,000 के करीब रहने वाला है एंड ऑन रोड प्राइस 2,20,000 के करीब रहने वाले हैं. एंड सेकेंड थिंग, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि कंपनी के रेट्स कलर्स के हिसाब से ऊपर नीचे रह सकते हैं. तो जैसे कि आपने पिछली बाइक्स में भी देखा होगा, कलर के हिसाब से रेट ऊपर नीचे रहते हैं, तो इसमें भी कुछ रेट्स ऊपर नीचे रहेंगे. काफ़ी टाइम से इस बाइक की कोई पिक्स सामने नहीं आई थी, बट हाल ही में हुए लीक आप इस बाइक के लुक को देख सकते हैं. लीक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाइक का इंजन 350 मीटियोर से मिलता हुआ है. कोर रीज़न है क्योंकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का इंजन अब तक का रॉयल एनफील्ड की बाइक में सबसे रिफाइंड एंड वाइब्रेशन लेस इंजन रहा है. यही रीज़न हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में मीटियोर 350 का इंजन यूज़ करे एंड आपको उस जितनी पावर एंड स्पेसिफिकेशन आपको उसमें उतने देखने को मिल सकते हैं. अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में. गाड़ी का इंजन 350 सीसी का है, जो कि 349 सीसी का मिलता है. एंड इंजन टाइप में बात करते हैं तो सिंगल सिलेंडर की बाइक मिलेगी है. 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा आपको इसमें. आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे एंड आपको इसमें डुअल चैनल ABS भी मिलेगा. साथ ही में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलेगा कि आजकल काफ़ी सारी बाइकों में आ रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी है. बात करते हैं टेल लाइट की, तो टेल लाइट में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल सकती है. स्पीडोमीटर आपका एनालॉग्स वाला मिलेगा एंड फ्यूल गेज का भी मीटर मिल सकता है. नेक्स्ट मीटियोर 350 की तरह आपको इसमें एक विंडशील्ड भी मिलेगी, जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे अपनी हाइट के हिसाब से. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके कुछ काम भी आई हो. अगर ये आपके काम आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.